In this video series, we were talking about why we do things at the 11th hour. यानी कि हम अपने काम को आखिरी वक्त के लिए क्यों छोड़ देते हैं और हमें पता होने के बावजूद कि ये काम जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में बेनिफिशियल है, स्टिल वी डिले और हम उसको टालते रहते हैं. सो हम मल्टीपल रीजंस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उम्मीद है कि इन सब रीजंस में से कोई एक ऐसी रीजन जरूर होगी जिसे आप समझ पाएंगे तो आपके लाइफ सिचुएशन में हो सकते हैं आपके काम को डिले कर रही हो. सो इस वीडियो में हम थर्ड रीजन को समझने की कोशिश करेंगे, विच इज बेसिकली कि थर्ड रीजन ये हो सकती है कि वी मे हैव एन एब्स्ट्रैक्ट गोल. हो सकता है हमारे गोल्स एब्स्ट्रैक्ट हों. अब एब्स्ट्रैक्ट गोल्स का नुकसान ये होता है कि हम चाहते तो हैं काम करें, हम चाहते तो हैं कि अपने गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप उठाएं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, स्टार्ट कैसे लेना है. सो व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट इन दिस थिंग? द मिसिंग एलिमेंट इज द क्लियर प्लान ऑफ एक्शन. बेसिकली यही एक एलिमेंट है जो मिसिंग होता है. हमें प्लान ऑफ एक्शन नहीं पता होता कि हमने कैसे जो है अपने एब्स्ट्रैक्ट गोल को एक कंक्रीट गोल में कन्वर्ट करना है. मिसाल के तौर पर अगर इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करें, मैं अपनी मिसाल अगर इसमें दूं, जैसे मेरा ये YouTube चैनल है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज नॉट क्रिएटिंग एनी वीडियो. जबकि मुझे पता है रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, कॉन्टेंट पे रिसर्च कैसे करनी है एंड वट टाइप ऑफ कॉन्टेंट आई वॉन्ट टू शेयर विद माई ऑडियंस. सो डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दीज थिंग्स आई वॉज नॉट क्रिएटिंग एनी वीडियो. So one day I just started asking myself that why I'm delaying creating all these videos jabki mujhe pata hai ki maine ye sab kaise karna hai. So when I just came across the reason, which is that mujhe pata to hai ki kya karna hai but there was not a clear plan of action. So what the solution that I found which is that ki maine apne content ko categorize kiya, the types of videos I want to create usko categorize kiya, fir usko break down kiya in smaller chunks so I can just know that ke mujhe kya first step kya lena hai, second step kya lena hai, then third step kya lena hai. So is tarike se maine jo hai isko overcome kiya, abstract goal ko ek concrete goal mein convert kiya. So I hope ke aap isse kuch na kuch relate kar payenge aur jo aapke life ki situation hai, agar kuch goals aapke abstract goals hain तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि उन गोल्स में एक कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाया जा सकता है. सो दिस इज योर टास्क एंड यू कैन जस्ट शेयर योर आइडियाज इन अ कमेंट सेक्शन कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट गोल को कंक्रीट गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं. सो शेयर विद अस, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.